हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर रहे हैं और उसी के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो आज इंग्लिश ग्रामर का एक और बेहतर टॉपिक और उसका नाम है करेक्ट सेंटेंस। आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का प्रश्न इससे पूछा ही जाएगा, ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हर एक बार प्रश्न पूछा गया है। और ये जो भी जो है आपको बोर्ड पे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, 1-2 जो हैं 2022 में साइंस के स्ट्रीम वाले इंग्लिश में पूछा गया था, 3 और 4 नंबर जो है आर्ट्स का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो अगर आप लोगों को नंबर लेना है इंग्लिश में, तो ग्रामर जितने भी पढ़ाए गए हैं उन सभी को जो है आपको कंप्लीट करना होगा। खासकर हम बातें करें करेक्ट सेंटेंस की, तो करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए जो है आपको ग्रामर की प्रॉपर आवश्यकताएँ होगी। कहने का मतलब है कि ग्रामर में जो पढ़ाया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर एंड टेंस, वॉइस, वर्ब, एडवर्ब, ये सभी जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होंगे तब तक ये करेक्ट सेंटेंस जो है आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी टीचर आपको कहता है कि इसका हम ट्रिक प्रोवाइड करते हैं या ये जो है आप चुटकियों में बना सकते हैं, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि इसका कोई भी ट्रिक जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि टेंस का रूल्स क्या होता है, प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो हम लोग बनाएंगे क्या, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, किस फॉर्म का कहाँ पे उपयोग किया जाता है, हम कैसे इस सेंटेंस को बना पाएंगे कि सही है कि का। अब लिख लें ही इज इन ए गुड हेल्थ, यो जो है सेंटेंस है एगो, ही इज इन गुड हेल्थ यो सेंटेंस है, ही इज वेरी गुड हेल्थ, चारों सेंटेंस ही है। अब आपको पता तो रहना चाहिए कि कौन में किसका प्रीपोजिशन का यूज सही हुआ है, किसका नहीं हुआ है, तभी तो गलत सही का हम चुनाव करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है पीछे जो भी वीडियो बनाए गए हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो सभी जाकर शुरू से ग्रामर का जो है वीडियो देखिए, और जिनको नोट्स प्रोवाइड किया गया है व्हाट्सएप पेड ग्रुप से, वे लोग जो हैं उसको नोट्स को एक बार रीड कीजिए, वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आए व्हाट्सएप से जो जुड़े हैं पूछिए प्रश्न। ठीक है, तभी जो है ये आप बना पाएंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है आज के इस क्लास में हम समझा दें कि आखिर इसको हम लोग सही बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो सही बनाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा जो है वर्ड का हिंदी भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपको वर्ड का हिंदी आ जाएगा तो आप अपने से भी इसको बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा ही इज सो टॉल एज आई, इसका अगर हिंदी तो ही मतलब वह होता है, इज मतलब है होता है, और सो मतलब कि उतना, टॉल मतलब लंबा होता है, एज मतलब उतना ही होता है, उतना या जितना, और आई मतलब मैं होता है। तो अगर इसका हिंदी किया जाए तो वह इतना लंबा है जितना मैं, वह इतना लंबा है जितना मैं। फिर है एक वर्ब ही इज एज टॉल एज आई, वह जितना लंबा है जितना मैं। अब एक वाउ है ही इज सो टॉल एज टॉल आई एम, यानी कि वह उतना लंबा है जितना मैं हूँ, मैं हूँ। ही इज एज टॉल एज आई आर, वह उतना लंबा है जितना जितना लंबा है, वह उतना लंबा है जितना लंबा है। अब बताइए इसका आप हिंदी किए होंगे तो इसमें कौन सा जो है सही आपको लगा होगा, ये वाला आपको सही लगा होगा कि वह उतना लंबा है जितना मैं हूँ, वह उतना लंबा है जितना मैं, वह उतना लंबा है जितना मैं। तो ये जो है इसका करेक्ट जो है सेंटेंस है। एक वाउली ये 2022 के साइंस
स्ट्रीम वाले में जो है पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न क्वेश्चन बैंक उठाकर आप देख सकते हैं। दूसरा है प्रश्न चूज द करेक्ट। हाँ, आपको हमने बताना भूल गया कि डायरेक्शन क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे, तो लिखा रहेगा चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कहेगा कि दिए गए ऑप्शन में से एक सही सेंटेंस सही वाक्य का जो है चुनाव कीजिए, या क्वेश्चन में लिखा रहेगा चूज द करेक्ट सेंटेंस यानी सही वाक्य का चुनाव कीजिए। तीन को गलती एक को सही रहेगा। देखिए जैसे कि दूसरा नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस सही का चुनिए, लिखल है इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, यानी एकड़ हिंदी करल जाए तो यह उच्च समय है जब वह कमाई करना शुरू कर देगा। यह उच्च समय है जब वह कमाई करना शुरू कर देगा। एगो आओ इट इज हाई टाइम, यह उच्च समय है, ही स्टार्टेड अर्निंग, यह उच्च समय है जब वह कमाई करना शुरू करेगा। ठीक है, इहो है। अब देखिए इसमें इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, यह उच्च समय है जब वह कमाई करना जो है चाहेगा, जब वह कमाई करना जो है चाहेगा। यहाँ पे देखिएगा अर्निंग मीन्स आईएनजी एकरा में लगल है, तो आपको पता रहेगा तब न कि आईएनजी का प्रयोग जो है कौन सा टेंस में किया जाता है, ये कौन सा टेंस है, तब तो आप इसको बना पाएंगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको जितने भी जो हैं बताए गए हैं ग्रामर के टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, मोस्टली ग्रामर के टॉपिक को हमने कंप्लीट करा दिया है। लगभग दो टॉपिक्स और बचे होंगे, जैसे कि एक होंगे एडम्स एंड फ्रेज, ये क्या है तो मुहावरा सुने होंगे वही है, और दूसरा एक और हमको पढ़ाना है जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग को ही जल्द ही जो है हम समाप्त करेंगे। ये दोनों वीडियो को चाहेंगे कि कल जो है आप लोगों के लिए समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे। तो आपको इसको बनाने के लिए, हम प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको पीडीएफ में 50 प्रश्न भी प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में, लेकिन इसको बनाने के लिए हम कहेंगे, एडवाइस देंगे कि सर आप जाकर ग्रामर पढ़िए, ग्रामर समझ में आ जाएगा, इसको बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, बहुत ही आसान। तो इसका अगर आंसर देखा जाए कि यह इसका आंसर कौन सा होगा, तो देखिए इसका था कि इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, यह उच्च समय है कमाई वह शुरू कर देगा। ये कोनो अच्छा सेंटेंस सटीक नहीं बैठ रहा है। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, यह उच्च समय है कि वह कमाई शुरू, बस इतना ही है इसमें। अब इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, अब ये कह रहा है कि यह उच्च समय है कि वह कमाई जो है शुरू कर दे, स्टार्ट्स अर्निंग। तो यहीं पे जो है यह सही हो जाता है कि यह उच्च समय है। ठीक है, चौथा था कि इट इज़ हाई टाइम ही हैज़ स्टार्टेड अर्निंग, जितना कह रहा है कि यह उच्च समय है कि उसने कमाई जो है अपना शुरू किया, ये गलत सेंटेंस था। तो इसमें जो है सी एकर आंसर होगा। आपको ग्रामर पढ़ाए हैं और बुझा कर आप पढ़िए सर। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न जो आर्ट्स में पूछे गए हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कह रहा है ही इज इन ए गुड हेल्थ, वह एक अच्छे स्वास्थ्य में है। अब देखिए ही इज़ इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। ठीक है, फिर ही इज़ वेरी गुड हेल्थी, वह बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। देखिएगा आप मिलाइएगा हिंदी से, ही इज़ हेल्थ एंड गुड, वह स्वस्थ और अच्छा है। तो आपको कौन सा जो है इसमें सेंटेंस सही लगा,
वह स्वस्थ और अच्छा है, गलती है, ठीक नो। अब दूसरा, ही इज़ वेरी गुड हेल्थी, वह बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, यहू गलती है। ही इज़ इन गुड हेल्थ, हम लोग कहते नहीं हैं कि वह बहुत अच्छे स्वास्थ्य में है, यानी कि उसको अभी कुछ नहीं हुआ है, तो ही इज़ इन गुड हेल्थ यानी कि वह अभी बहुत अच्छे अच्छे स्वास्थ्य में है। तो इसका आंसर जो है बी होगा, आप ध्यान रखिएगा। चौथा है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। देखिए पहला, मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना हमें मिलता है उतना ही हम चाहते हैं, जितना हमें मिलता है उतना ही हमें चाहते हैं। या ये भी हो सकता है, मोर मतलब अधिक होता है, जितना अधिक हमें मिलता है उतना ही अधिक हम चाहते हैं। यहाँ पे लिखल है, देन मोर वी गेट द मोर वी वांट, जब हमें अधिक मिलता है, जब हमें अधिक मिलता है तब हमें अधिक चाहिए होता है, ठीक है। फिर है, मोर वी गेट एंड मोर वी वांट, अधिक अधिक मिलता है तो अधिक चाहिए, हमें अधिक मिलता है तो अधिक चाहिए, ठीक है। फिर है, द मोर वी गोट मोर वी वांटेड, जितना अधिक हमें मिला है हम उतना ही चाहते हैं। तो एकरा में आंसर का होगा, तो सब सेंटेंस आप देख लीजिए, लेकिन पहला सेंटेंस एकदम साफ सुथरा है, मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना अधिक हमें मिलता है उतना ही अधिक जो है हम लोग चाहते हैं। तो इकर जो है आंसर जो है सर एक नंबर होगा। कहीं कहीं आपको लगा होगा कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आपको प्रॉपर ढंग से ये समझ में आया होगा, बिकॉज रीज़न इज़ नॉट योर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, यानी कि आपका इंग्लिश ग्रामर जो है कंप्लीट नहीं है, तो ये जो है आउट ऑफ माइंड यानी कि बाउंस ऊपर ऊपर इतना जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ग्रामर के वीडियो को एक एक करके देखिए, ग्रामर के नोट्स को एक एक करके पढ़िए, और आपको ये बनाने में कोई कठिनाई जो है नहीं होगा, क्योंकि इसके जो है 50 प्रश्न हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 50। आप जब ग्रामर कंप्लीट कर लीजिएगा तो इन 50 प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, आप रियल में इसको बना पाएंगे, ठीक है। और जो नहीं जुड़े हैं, डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि आने वाला समय में एक महीना बाद ही जो है आप नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि नोट्स का जो कवरेज है, कहने का मतलब जितना हम लोगों ने गोल्स रखा था कि इतना ही लड़के लोग को हम पढ़ाएंगे, वो जो है बहुत जल्द फुल होने वाला है, ठीक है। हो सकता है 4-5 दिन में जो है वो फुल हो जाए। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और वीडियो देखे हैं तो शेयर कीजिए, जितना अधिक लोगों तक आप शेयर करेंगे उतना अधिक लोगों तक हम लोग जुड़ पाएंगे, और उनको फ्री में जो है शिक्षा हम लोग प्रोवाइड करवा पाएंगे। सो गाइस, वीडियो देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद।